মাইশ্রী সমাজকে কিভাবে আরো সংঘবদ্ধ করা যায় ও এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাই নিয়ে প্রতি বছর সমাজের লোকেদের নিয়ে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পুরনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয় ও আগামী দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়। 2018 সালে মাইশ্রী সভা সভাপতি পদে পদপ্রার্থী পুরুষোত্তম দাস মিমানি ও মন্ত্রী পদে পদপ্রার্থী পুরুষোত্তম দাস মুদ্রা দুজনেই নিজেদের কথা জানালেন। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं जितने जितने पद के हैं वो सब खड़े हुए हैं। उसका चुनाव 27 तारीख को है। ये हर साल होता ही चुनाव नहीं होता तो है हर साल, लेकिन इस बार इन लोगों ने 5 साल में किया है। अच्छा। इन लोगों ने एक भूल की है, 5 साल मतलब थोड़ा अलग गलत तरीके हो गया है। नहीं, इसमें इस बार बहुत ज़्यादा नई पीढ़ी जुड़ी है, बहुत नहीं, ये लगभग 99। मैं पुरुषोत्तम दास मुंद्रा मैत्री सभा के चुनाव में मंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। अभी हम लोग चूँकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी मतदाताओं के पास रूबरू हो रहे हैं, सदस्यों को साथ में लेके, एवं इस बार पहली बार चुनाव में युवाओं ने हमें अपना साथ देते हुए उम्मीदवारी में आए हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि सभापति जी के सानिध्य में समाज बंधुओं को साथ लेकर सभा और समाज का हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम और भला कैसे कर सकें, ये अगर हमें विजयश्री मिली तो ये हमारा सब समय प्रयास रहेगा। जय महाराज। 5 বছর বাদে এই নির্বাচন হবে আগামী 27 মে বড়বাজারের মাইশ্রী ভবনে। প্রায় 99 পদপ্রার্থীরা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মঙ্গলবার বড়বাজারের মুদ্রা ধর্মশালাতে পাক নির্বাচনী নিয়ে এক মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে সকল পদপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। ये आज का कोई पर्टिकुलर कार्यक्रम नहीं है, मायश्री सभा का आम चुनाव डिक्लेयर हो गया है और वो चुनाव 27 तारीख को, इसमें हर तरह से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, सभापति उप सभापति मंत्री, इस तरह से कुल 99 पोस्ट है, सब पे लोग खड़े हो रहे हैं और हर तबका अपने अपने प्रचार और प्रयास में लगा हुआ है, जिसका कि चुनाव प्रक्रिया होगी 27 तारीख को। 27 तारीख को सभा के तकरीबन 14,000 से ज़्यादा मेंबर है कलकत्ते के, उनमें से ज़्यादा लोग आएंगे, अपना वोट देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। जो टीम जीतेगी वो आगे आके अपना कार्यभार संभाल। समाधि और समय को चुना गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभा का अच्छे से कार्यक्रम सफल हो और मैं चाहती हूँ कि सही संस्था को आगे बढ़ाना चाहूँ और समाज की महिलाओं को अच्छे से जोड़ना चाहती हूँ कि सबको आगे लाए महिला को, ये मेरा उद्देश्य है। जय मैं इस सभा का वोट पर्व है, 5 साल बाद हो रहा है। समाज की संस्थाओं को गति देने के लिए समाज बंधु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे और समाज की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चालू रखेंगे। कुछ संस्थाओं की स्थिति डवाडोल हो रखी है, कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस बार मौका मिला है। उम्मीद है समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कर्मठ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे और समाज में एक नई चेतना और जागृति का बिगुल बजाएंगे, संघ बजेगा।